प्रदेश में पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी लूट की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ताज़ा मामला फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र का है, जहां हथियारों से लैस बदमाशों ने घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया और आसानी से फरार हो गए। यही नहीं, बेखौफ बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट भी की, जिसमें चार लोग घायल हो गए। पीड़ित की माने तो बदमाश लाखों रुपए के जेवरात के साथ फरार हो गए। जब मैं लेटा था तो आगे एक लोग आया, मेरे सर पे एक डंडा मारा फंस के, फिर मैं ऊपर गया। ऊपर जाके फिर उन्होंने मुझे धक्का दिया, फिर मैं जीने से नीचे गिर पड़ा। और फिर वहाँ पर कम से कम 8-10 लोग थे वो, और कुछ बाहर खड़े थे, और बस ऐसे। और फिर दरवाज़ा तोड़ दिया मेरे घर का, फिर बेड वेड मतलब सब कपड़े इधर उधर कर दिए सब। वही घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। यही नहीं, पुलिस के साथ फोरेंसिक टीम भी जांच कर रही है। कुछ लोग आए इसमें, जो बता रहे अंदर चार लोग आए, बाहर और छत पे और भी लोग हो सकते हैं, देखा नहीं, लेकिन ये बता रहे हैं कि चार लोग अंदर आए और मारपीट करी है। इसमें दो बच्चों के साथ मारपीट है, एक महिला के साथ मारपीट है, कुछ सामान्य चोट है, और एक बुजुर्ग जो है जो घर के मालिक तहसीलदार यादव, उनको भी चोट है, नेक में चोट है। बता रहे हैं करीब एक घंटा वो लोग यहाँ रुके हैं, और उसमें दो लोग बता रहे हैं कि बिना कपड़े के भी थे, महिला बता रहे हैं कि, और उन्होंने जो बता रहे हैं सामान गया है उसमें, ये बता रहे हैं करीब 12 से 13 तोला करीब सोना गया है और चांदी का आभूषण गया है, 1.25 लाख करीब कैश भी है उसमें। फिलहाल पुलिस अधिकारी जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन आए दिन जिले में हो रही लूट और चोरी की वारदातों के बाद कानून व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए फिरोजाबाद से प्रशांत उपाध्याय की रिपोर्ट।